अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ POF वेलफेयर क्लब वाक एंड में मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पे आज हमारी एक ऑफिशियली तकरीब है। हमारे हरदिल अजीज़ शुएब अहमद जैदी साहब आज रिटायर हो रहे हैं, आज वो SOS हो रहे हैं सर्विस से, तो उनके एजाज़ में ये आज का दोपहर का लंच अशाइये में दिया गया है, जिसमें IDA का पूरा स्टाफ हमारे डिपार्टमेंट का यहाँ पर तकरीबन शिरकत आज ला चुका है, और मेहमान खुसूसी भी आ चुके हैं। शुएब जैदी साहब अपनी फैमिली के साथ आए हैं, इस वक्त वेट कर रहे हैं अपने CEO साहब का, जैसे ही वो आएंगे तो पार्टी का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। पार्टी की तरफ चलते हैं, आपको मेहमान दिखाते हैं, हॉल का इस वक्त का माहौल दिखाते हैं, जो इस वक्त मेरे स्टाफ, मेरे कोलीग्स, मेरे साथ के जितने दोस्त हैं उनसे भरा हुआ है, और आपको यह दिखाते हैं कि हमारे पास से बंदा जब रिटायर होता है अपनी सर्विस पूरी करके, तो वो किस प्रोटोकॉल के साथ उसको यहाँ से रुख्सत किया जाता है। अच्छा, अंदर जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे लाजमी शेयर करें।
एक प्लेट ये साथ दूसरा ले जाए लेडीज भी रख दें बूफे पे। उसके बाद होती थी अच्छा जब घर जाते थे, आप 5 साल गुजर गए 10 साल गुजर गए तो बेगम को जाके कहते थे कि मुबारक हो मेरी प्रमोशन होगी। बेगम कहती थी क्या हुए, उसने कहा जी सुपरवाइजर। वो पूरे मोहल्ले में जाके बताती थी कि जी मेरे शेयर सुपरवाइजर हो गए हैं, 10 बंदे इंटरव्यू आ गए हैं, बड़े खुश। गुजर गए 20 साल, वो बन गया सुपरवाइजर की। वो क्या घर उसने जाके कहा कि मैं फिर सुपरवाइजर हो गया। उसने कहा अलग वास्ता है, 20 साल पहले भी सुपरवाइजर, अब फिर सुपरवाइजर। उसने कहा चलो बात गुजर रहा है, तो फिर वो हो गया सुपरवाइजर एक। वो 30 साल 35 साल गुजर गए, उसके बाद तो मतलब वैसे ही हो जाता है 35 साल वाला बाद वाला बंदा, आपको बताइए क्या होता है। तो वो जब 35 साल बाद जाके कहते हैं कि मैं प्रमोशन होगी, बेगम खुश और ये हो गए। उसने कहा सुपरवाइजर है, उसने कहा ना से करो, उधर भी सुपरवाइजर, उधर भी सुपरवाइजर, अल्लाह का वास्ता है, बस करो। तो इन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करता है, ये छोड़ के चले गए। बेटा उन लोगों के लिए मैसेज जो 2019 में आए, मुझे अक्सर इधर उधर से मिलता है कि आपने क्या किया। मेरी एक बात याद रखे, दरख्त लगाता कोई है, फल कोई खाता है। यहाँ मेरे साथ आज सरकार साहब बैठे हैं सीनियर, यहाँ मेरे साथ रिटायर्ड वाले कई लोग नजर आ रहे हैं, जमील साहब हैं और कितने ऐसे हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं आगे, कामरान नसीम साहब और कितने ऐसे लोग हैं जो रिटायर होकर चले गए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें सर, 2006 में जब हमने ये सफ़र शुरू किया, मेरे प्यारे भाई मेरे मोहसिन फजली वाजिद साहब मेरे साथ होते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्यारे भाई कि जब हम कहीं भी जाते थे नमाज जरूर पढ़ाते थे, मुझे कहते 2 रकात तो पढ़नी पड़नी है, कसर भी पढ़े। तो हम हर जनाजे में जाते थे, हमने कोशिश की। देखिए एक बात याद रखिए, वेलफेयर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वेलफेयर जो होता है, कोई इतना मैं कोई वो नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कोई पाटे खानता, ऐसी बात नहीं है। फिर हमने इनिशिएटर हम अपने मसले मसाइल का अपने सीनियर्स के सामने पेश करते हैं। डिप्टी साहब बैठे हैं, पीआरओ साहब बैठे हैं, कमांडेंट होते हैं, जब भी आप यकीन करें कितने लोग मुझे कहते हैं कि डिप्टी साहब बहुत सख्त है, डिप्टी साहब कितने ढेर सारे। देखें खुदा की कसम आज तक डिप्टी साहब से आपके बैठने की बात करता जाता हूँ, अगला कहता है यार इधर नहीं इधर मैं सही अच्छा दोस्तों प्रोग्राम खत्म हो गया, तकरीब देख ली आपने, अच्छी सी तकरीब हो गई, रवि साहब को रुख्सत कर दिया, अलविदाई तकरीब खत्म हुई, इनामात दे दिए गए, हम भी चलते हैं घर की तरफ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन ये लंबी बननी थी और ये शेयर भी करनी थी। जाते जाते एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, गुप्ती भी कह रहे कर दें, और इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।